गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर जो हम लोगों ने बात किया था कि अर्ली एक्सपेरिमेंट में है क्या, ये किस टाइप में एक्शन में लीड करता है, ये सब सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने जोसेफ प्रिस्टले, ये सब क्या एक्सपेरिमेंट अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। सो इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे किससे, दैट इज टी डब्ल्यू एंगलमैन से। टी डब्ल्यू एंगलमैन ने 1843 से लेकर के 1909 तक इनके लाइफ स्पैन थे, प्लस इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये लाइट के स्पेक्ट्रम पर एक्सपेरिमेंट था। हालांकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया कि लाइट जो कॉम्पराइजेज होता है 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर, जिसे अपन विबग्योर कहते हैं। ये विबग्योर के चक्कर में बेसिकली क्या है कि दो ऐसा मैसिव रीजन है जहां पर लाइट बेसिकली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। पहला है ब्लू, दूसरा है क्या, रेड। सो अपन देखते हैं स्टूडेंट, टी डब्ल्यू एंगलमैन ने फर्स्ट टाइम किसे डिस्क्राइब किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्क्राइब किया दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक्शन स्पेक्ट्रम के बिहाफ पर इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया स्टूडेंट। नेक्स्ट इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम को डिफ्रैक्ट करने के लिए बेसिकली प्रिज्म का इस्तेमाल किया, जो लाइट को स्प्लिट कर दे रहा था वो अपने स्पेक्ट्रम में, जिस चीज का नाम अपन क्या कह रहे थे, दैट इज विबग्योर कह रहे थे। और इसमें इन्होंने जो एक एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, वो एरोबिक बैक्टीरिया का नाम क्या था, दैट इज क्लेडोफोरा। ये क्लेडोफोरा बेसिकली पहला तो ब्लू और दूसरा रेड रीजन पे ही बेसिकली क्या करता था, O2 का इवोल्यूशन शो करता था, जिससे हमें यह पता चलता था कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे देख लो, बैक्टीरिया यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन, किस चीज के लिए डिटेक्ट हुआ, O2 के इवोल्यूशन के लिए डिटेक्ट हुआ। स्टूडेंट इनके ऑब्जर्वेशन में मेनली क्या था, इनके ऑब्जर्वेशन में यह था कि बैक्टीरिया accumulated mainly into the region of blue or red light। कारण ब्लू और रेड लाइट पे जब भी ये आ रहे थे तो यहाँ का जो वेवलेंथ था ये बेसिकली काफी सुटेबल रहा था किस चीज के लिए, क्लेडोफोरा के लिए, जहां पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था और अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस कर रहा था, O2 प्रोड्यूस कर रहा था। नेक्स्ट स्टूडेंट इन्होंने जब देखा, रिजेंबल किया कि आखिर ये जो रफली एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये किसके थ्रू पे हो रहा है, तो ये एक्चुअल में क्लोरोफिल ए और किस चीज के लिए, क्लोरोफिल बी होने के वजह से ये जो दोनों क्लेडोफोरा बैक्टीरिया थे जो कि एरोबिक बैक्टीरिया थे वो ब्लू और रेड रीजन में एक्यूमुलेट हुए थे। नेक्स्ट अब जब इसके बिहाफ पर देखा गया तो इनका एक इक्वेशन आया, इक्वेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छे तरीके से आया, जिस चीज को अपन सिंपली क्या कहते हैं, दैट इज CO2 प्लस H2O। CO2 का मतलब वॉट, CO2 का मतलब आपको पता है, दैट इज ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में बेसिकली लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, CH2O। ये जो एक्चुअल कंपाउंड है ये कार्बोहाइड्रेट्स का कंपाउंड है जो कि जनरली क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट यहां पर याद रखिएगा, जैसे ये CH2O है, ये रिप्रेजेंट एक्चुअल में क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या चीज है, एक सिंपल 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला ग्लूकोज है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का नाम था दैट इज कॉर्नीलियस वॉन नील। इन्होंने जब ये आया तो इनका लाइफ स्पैन और कह सकते हैं दैट इज 91 से लेकर के 1985 तक इनका लाइफ ड्यूरेशन रहा, जिसमें इन्होंने एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन दिया। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन का मतलब कि इन्होंने एक बीम प्रिपेयर कर दिया और फाइनली अपना खुट्टा गाड़ दिया। खुट्टा गाड़ देने का मतलब कि अब जब फोटोसिंथेसिस करना था और फोटोसिंथेसिस के बारे में कोई भी रिसर्चर अगर पढ़ता तो कॉर्नीलियस वॉन नील को पढ़े बिना वो अपने फोटोसिंथेसिस के इक्वेशनल इवेंट को कंप्लीट नहीं कर सकता था। यही वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज माइल स्टोनर भी कहा जाता है, यानी माइल स्टोन कंट्रीब्यूट करने वाले। अब इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में लाइट डिपेंडेंट होता है। बच्चे क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होता है जिसमें ट्वाइस H2A
प्लस सीओ टू, लाइट के प्रेजेंस में ट्वाइस ए प्लस सी एच टू ओ प्लस एच टू ओ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जबकि इन्होंने एक और टर्म बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर प्लांट ग्रीन होगा, ग्रीन प्लांट होगा तो यहां पर बेसिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और सल्फर कंपाउंड्स वगैरह फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहा तो H2O एक्चुअल में हाइड्रोजन डोनर के तौर पर एक्ट करेगा और वो ऑक्सीडाइज क्या करेगा, O2 को ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्होंने ही इस्तेमाल किया किसे, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या था, ये जब इक्वेशन को देखोगे तो यहां पर H2 ट्वाइस ए है, ये ट्वाइस ए है क्या, एक्चुअल में H2S जो कि क्या है, H2S ए के जगह पर सल्फर हाइड्रोजन डोनर के जैसा एक्ट कर रहा है। अब जब ये हाइड्रोजन डोनर के जैसा एक्ट करना शुरू किया तो ये एक्चुअल में क्या किया, ऑक्सीडाइज किया ना सल्फर को, तब जाकर के क्या किया, देखो भाई ऑक्सीडाइज किया सल्फर को और सल्फेट डिपेंडेंट बन गया और अल्टीमेटली क्या रहा, सल्फर निकला और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गया। यह एक्चुअल में कीमोसिंथेटिक टाइप ऑफ प्रोसेस है, यानी केमिकली इवोल्यूशन। जब आप क्लास ट्वेल्थ में इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो उस समय ये पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको विजुअलाइज होगा और पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, देन अपन नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे रॉबर्ट हिल एंड बेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में। हालांकि ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में से एक है जिसे अपन रॉबर्ट हिल एंड बेंडा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन्होंने एक्चुअल में क्या किया था कि डिटेल स्टडी किया था किस चीज का, दैट इज लाइट रिएक्शंस का, ये कंप्लीट और डिटेल स्टडी बना दिया। हालांकि इन्होंने ये भी प्रपोज किया था दैट इज जी स्कीम मैथड। ये जी स्कीम मैथड है क्या, जी स्कीम मैथड के बिहाफ पर हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि आखिर किस टाइप में एक इलेक्ट्रॉन वन पीएस सिस्टम से स्टार्ट होता है, दूसरे पीएस सिस्टम पे जाता है और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन दूसरे पार्ट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो यहां पे याद रखिएगा कि ये एक्चुअल में रॉबर्ट हिल एंड बेंडल एक्सपेरिमेंट जो था, इन्होंने आइसोलेट किया था क्लोरोप्लास्ट को और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही इन्होंने क्या किया था, दैट इज जी स्कीम के बारे में पढ़ा था। ये जो जी स्कीम था, जैसे इन्होंने आइसोलेट क्या किया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किया कहां से, फ्रॉम द लीव्स ऑफ स्टेलेरिया मीडिया से। स्टेलेरिया मीडिया एक प्लांट है और इन्होंने ये बताया कि एक्सपेरिमेंट में जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें CO2 को इन्होंने क्या रखा, एबसेंट रखा। हालांकि उस समय यह केस देखा गया कि ट्वाइस ए पर्पल सल्फर भी हो सकता है, कोई और अदर कंपाउंड भी हो सकता है, दैट इज ट्वाइस H2O, सनलाइट और हिल रिएजेंट। इन्होंने एक रिएजेंट का इस्तेमाल किया, इसका नाम क्या था, हिल रिएजेंट। हिल रिएजेंट दो टाइप के थे, पहला एक नेचुरल जिसको अपन NADP कहते हैं, दैट इज निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट कहते हैं। आर्टिफिशियल में भी बहुत सारे हैं, फिलहाल अपन इसे समझेंगे। हिल रिएजेंट का इस्तेमाल किए, इन्होंने देखा कि ट्वाइस ए प्लस एच टू का फॉर्मेशन किया प्लस ओ टू रिलीज किया, यानी ट्वाइस ए एच टू रिलीज किया, मतलब देखो यहां पर कोई कार्बन कंपाउंड यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड के जैसे कुछ भी फॉर्म नहीं कर रहा था जो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फॉर्म किया था। स्टूडेंट, यहां पर एक्चुअल में जो ए आगे चल करके इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया वो ये बताया कि ए जो है एक्चुअल में हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, वो भी किसका, हिल रिएजेंट का। अब हिल रिएजेंट दो टाइप में, नेचुरल मैंने अभी आपको बताया जो कि NADP है, जबकि आर्टिफिशियल में पोटेशियम फेरिसाइनाइड बेंजोक्यूनॉन क्रोमेट और DCPIPETC आर्टिफिशियल है जो बेसिकली हिल रिएजेंट के तौर पे जाने जाते हैं। यहां पर जो DCPIP है ये एक्चुअल में है क्या, फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल, क्लियर है, DCPIP, और ये एक्चुअल में ब्लू कलर डाई होता है जो कम
विच बिकम कलरलेस ऑन रिडक्शन, मतलब कि जब रिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तब DCPIP का जो नेचुरल ब्लू कलर है वो कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इसके बिहाफ पर इन्होंने ये बता दिया कि जनरली जो होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शंस के बारे में बताया और जी स्कीम को अच्छे तरीके से प्रपोज कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक और साइंटिस्ट आए, बेसिकली ये तीन थे, नाम था र्यूबेन, हसीब एंड कामेन। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक्चुअल में जो ऑक्सीजन फॉर्म करता है ये ऑक्सीजन किसका होता है, क्या ये वाटर का ऑक्सीजन होता है कि CO2 का ऑक्सीजन होता है। इस चीज को डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, र्यूबेन, हसीब एंड कामेन। ये एक्चुअल में ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रूफ किया कि जो O2 एवॉल्व हो रहा था वो ग्रीन प्लांट में हो रहा था, जो कि कहां से आ रहा था, सिर्फ वाटर से आ रहा था। अब कहोगे कि यार ये लोग एक्सपेरिमेंट तो कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करने के बिहाफ में आखिर ये कैसे बता सकते हैं कि वो जो ऑक्सीजन था वो वाटर का था। बेटा इन्होंने जो मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल किया उस टेक्निक का नाम था रेडियो आइसोट्रॉपिक टेक्निक। जो क्लास 12th में होंगे और जिन्होंने केमिस्ट्री अभी अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेडियो आइसोटॉपिक। अभी हम लोग इसे छेड़ नहीं सकते, लेकिन तो पर भी मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पर आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो यहां पर जो CO2 है इसमें ऑक्सीजन की 16 वैलेंसी वाली है, H2O में जो O है वो 18 वैलेंसी वाली है। अब जब ये कंप्लीट फॉर्मेशन होता है तो आप डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप के रिएक्शंस के बारे में देखते हो। जब इस टाइप का रिएक्शंस कंप्लीट आउट होता है तब ऐसा देखा गया कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का है, और जो वाटर बनता है उसमें भी जो ऑक्सीजन है वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो किसका है, वाटर का है। सो यही कारण से ये पता चला कि आखिर वाटर प्लांट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट की स्कार्सिटी हो जाए तो क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो पाएगा, नहीं। और इवन आगे चलकर के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट मिले जिन्होंने इसकी डाइवर्स और वास्ट स्टडी करके हम लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। सो स्टूडेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो भी थे वो यहीं तक थे। सो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता कहां पर है। सो स्टूडेंट, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।